हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 to 21 ऑफ एक्सरसाइज 10D क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 से 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। टॉपिक क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नाउ क्वेश्चन 15। अ मैन सोल्ड 2 चेयर फॉर ₹500। दो चेयर बेच रहा है, दोनों ₹500 में, पहली भी 500 में, दूसरी भी 500 में। ऑन वन ही गेन 20% एंड अदर ही लॉस 12%। एक को 20% पर और एक को 12% लॉस पर। तो हमें ये बताना ही नेट गेन और लॉस परसेंट, कुल मिलाकर उसे लॉस हो रहा है कि गेन। तो देखो, फॉर फर्स्ट चेयर, मैंने फर्स्ट लिख लिया, शॉर्ट में MCQ है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है ₹500 और फर्स्ट पर गेन हो रहा है उसे 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकालने, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर क्या होता है? SP × 100 upon 100 + gain%। फॉर्मूला है तो 500 × 100 upon 120। ओके, इसको जरा सॉल्व कर ले रहे कैसे। देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर रहा हूँ, 4 × 3 = 4 = 25 बार कैंसिल, 25 × 5 = 125 होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर ये आ गई। इसी तरह सेकंड ईयर के लिए निकाल लो, CP ऑफ सेकंड चेयर SP × 100 upon 100। इसको लॉस हो रहा है, माइनस लॉस परसेंट, 12% लॉस पर बेच रहा है तो -12। ये कितना आ गया? 500 × 100, 100 में से 12, 88, 4 से कैंसिल कर, 4 × 2 = 4, 2 = 100, 4 से 25, 2 से ये 500 कैंसिल कर दिया, 250 टाइम्स, 25 × 25, 625, और एक जीरो बढ़ा लिया। इतनी कॉस्ट आ गई सेकंड चेयर की। अब टोटल चेयर कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई दोनों की? तो CP ऑफ बोथ चेयर निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया। CP ऑफ बोथ चेयर, पहली चेयर कॉस्ट है और दूसरी की ऐड कर दें, 11 और 3 का LCM 33, 3 का डिवाइड 33 में 11, 11 का मल्टीप्लिकेशन 11 × 2 = 2 = 11 0 0 11 5 = 55, कैरी 5, 11 × 2 = 22 और 5 = 27, कैरी 2, 11 बन जाए 11 और 2 आ गया। 11 का डिवाइड हमने 33 में करा तो 3 टाइम्स गया। ओके, 3 से मल्टीपल कर दें, 3 × 0 = 3 5 = 15, कैरी 1, 3 × 2 = 6 7, 3 × 6 = 18। इसको ऐड कर लो तो 13,000, 18,000, 750, 1350, 13, 18, 31, 32,500 हो गया। बस ऐड करा, कुछ नहीं करा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, टेंशन मत लो। ओके, अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? टोटल SP ऑफ बोथ चेयर, पहली चेयर भी 500 में और दूसरी भी 500 में, 1000 रुपीज़ हो गई। और ये 30,000 ईयर, ये CP कम है, ये ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा है। तो फिर मैंने कैसे लगा, 33 से, अगर 33,000 है तो 1000 आता, 33 से कम है ना, तो CP ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम, यानी गेन हो रहा है। हमें गेन परसेंट पूछा है या लॉस परसेंट, कुल मिलाकर गेन हो रहा है। तो गेन क्या होता है? SP माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, 33 LCM ले लें, 33 का 1000 में करेंगे, 33,000 - 32,500, तो कितने सबट्रैक्ट करेंगे, 500 बचेगा, 500 upon 33 का हुआ उसे गेन। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है? गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चेयर कितनी है, ये रहा, डिवाइड में लिख लो, 3 × 3 = 2500, 32,500 upon 33 ऊपर चला जाएगा, 33 से 33 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, 5 6 = 30, 5 5 = 5 से ये 100 बार कैंसिल, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स, तो कितना आ गया, 20 upon 13। 13 का डिवाइड करो, आंसर पॉइंट में देखा, मिक्स फ्रैक्शन में देखा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, 13 बन जाए 13, 13 5 = 65 और 13 3 =
1.53% हो गया इसको गेन, और फर्स्ट ऑप्शन 1.5, सेकंड 2 1.5, अच्छा 1.5 भी रखा है, तो ओनली 1.5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1.5% गेन। तो इसको क्या हो रहा है, 1.5% गेन हो रहा है। इसका आंसर आप लोगों की बुक में गलत दे रखा है, शायद लॉस दे रखा है ना, ये गेन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 रुपीज, किसी को 625 रुपीज पर सोल्ड करने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इज द सेम, ये किसके इक्वल है, एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 435 रुपीज, उतना ही प्रॉफिट इतने रुपए बेचने पर होता है जितना कि इतने रुपए बेचने पर लॉस हो रहा हो। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये तो इजी है, सीपी हमने मान लिया सीपी इक्वल टू एक्स, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बता सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो मैं लिख देता हूं, गेन इक्वल टू दे रखा है, गेन इक्वल टू लॉस के, गेन जो हमें 625 रुपीज पर हो रहा है, तो गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है इस वाले में, बस हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, 625 प्लस 435 इज इक्वल एक्स प्लस एक्स, माइनस 435 उधर लिया है, माइनस एक्स को उधर ले गए, ये कितना हो गया, 5 5 10 कैरी 1, 3 2 5 6, और 6 4 10 5030 आ गया, x इक्वल टू 530 रुपीज, ऑप्शन बी दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 530 रुपीज, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 15 क्वेश्चन नहीं था, एमसीक्यू लाइक है ना, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर रुपीज 150, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखी हमें 150 रुपीज के, एंड मेक ओवरहेड एक्सपेंस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ओवरहेड कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो ओवरहेड निकाल लो 150 का 10%, डेढ़ पे आ गया, 15 रुपीज आ गया। ओके, तो उसको जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुई, जो टोटल खर्चा हुआ आर्टिकल पर कितना होता बताया था, ओवरहेड प्लस कॉस्ट प्राइस, तो जो आर्टिकल है उसको एक्चुअल कितने पड़ा, 165 रुपीज में। ओके, फिर कह रहा है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%, 20% गेन चाहिए, तो कितने में बेचे, अब सीपी ये लगेगा, तो एसपी निकाल दो, एसपी क्या होता है, सीपी इनटू जितना परसेंट चाहिए, कितना 20%, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, जो भी आंसर आएगा देखते हैं क्या आता है, 165 into 120 upon 100, 2 6 जा 2 5 जा 5 से कैंसिल 5 3 जा और 5 3 जा 6 का मल्टीपल कर दें 6 3 जा 18 6 3 जा 18, कैरी तो 198 रुपीज, और ये रखा है मैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, समझ में आ गया ना, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है 2-3 दिन से, मेरे मुंह में बहुत छाले हो गए, तो थोड़ी आवाज साफ नहीं निकल रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एंड द क्वेश्चन 18 इज, If an article is sold at a gain 5% instead of being sold at a loss of 5%, अगर 5% गेन पर बेचा जाए, गेन कितना दे रखा है 5%, किसके बजाय, लॉस के बजाय, 5% लॉस के बजाय है ना, तो आगे सुनिए, a man get 5 rupees more, तो उसे 5 rupees more मिलते हैं, what is the cost price of article, तो हमने बताया था इस तरह के लेस प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मान लो 100 रुपीज, हमने मान लिया लेट सीपी बी 100 रुपीज, तो पहला एसपी निकाल लो 5% प्रॉफिट पर, तो एट लिख लीजिए 5% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 5% 5 105 रुपये हो गया, 105 रुपीज, अब 5% लॉस पर क्या होगा सेलिंग प्राइस, 100 माइनस 5 95 रुपीज, फिर क्या जाता है, इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस निकाल दो, 105 माइनस 95 कितना हो गया 10, तो मतलब क्या, अगर 10 रुपीज अधिक में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, जब 10 रुपीज अधिक में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, जब 1 रुपीज अधिक में बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 10, और कितने अधिक कह रहा है 5 रुपीज अधिक कह रहा था, 5 रुपीज मोर मिलने हैं, और जब 5 रुपीज मोर में मिलेगा तो 5 से मल्टीपल कर दें, 5 बन जा 5 2 जा 2 से हो गया 50, तो 50 रुपीज आंसर आ गया, 50 रुपीज विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ
आर्टिकल, और ये ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट 10% हिज गेन परसेंट। तो जो लिस्ट प्राइस है उससे 20% अबव कर देता है मार्क प्राइस। तो हमने लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही यानी कैटलॉग प्राइस है ना। लिस्ट प्राइस हमने मान ली 100 रुपीज। लिस्ट प्राइस से मतलब है जो डीलर है जिसने कहीं से लाया, भाई मैन्युफैक्चर से लाया, मैन्युफैक्चर के पास लिस्ट होती है ये आर्टिकल इतने रुपए का, ये आर्टिकल वो लिस्ट प्राइस है। अब डीलर कोई प्रॉफिट लेगा तो प्रिंट ज़्यादा करते हैं ना, और कितना प्रिंट ज़्यादा कर दिया उसने 20% अबव। अ डीलर लिस्ट प्राइस लिस्ट आर्टिकल एट सॉरी दोबारा सुन लो अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो डीलर को कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस मान लो फिर, और लिस्ट प्राइस में मार्क प्राइस से मतलब है। तो डीलर ने जो मार्क करा प्रिंट करा किस पर आर्टिकल पर 20% अबव है, तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया, ये गलत दे रखा है, मार्क प्राइस होना चाहिए। लिस्ट प्राइस दे रखा है उन्होंने 120 रुपीज, क्योंकि 20% अबव, सौ पर 20% 20 हो गया। अब इस पर वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या होगी, आफ्टर 10% डिस्काउंट, दो तरीके हैं, या तो खाली 10% डिस्काउंट निकाल लो, छोड़ो 120 का 10% डिस्काउंट निकाल लो, 120 × 10/100 दोनों जीरो कैंसिल, 12 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। 120 में से 12 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा जो प्रिंट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से 12 माइनस कर दें, 120 में से 12 गया तो 108 रुपीज़ आ गया। जो आर्टिकल उसने 100 रुपीज़ का खरीदा और डिस्काउंट के बाद कितने बेच रहा है, 108 रुपीज़ में, तो गेन कितना हो गया, 8 रुपीज़ का हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस दुकानदार को जितने पड़ा, डीलर को जितने पड़ा 8 रुपीज़, और 100 रुपीज़ पर जो प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, तो पता है आपको। तो गेन परसेंट कितना हो गया, 8%, या आप ऐसे लिख लो प्रॉफिट इंटू 100/ लिस्ट प्राइस, बात वही है लेकिन कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट लिखोगे। तो डीलर को 8% प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपीज, मार्क प्राइस कहता हूँ 10% मोर, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10% मोर कितना हो गया, 110 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ओके क्लियर। एंड अ डिस्काउंट 10% इज गिवन टू द मार्क प्राइस, द सेलर हैज, बताना सेलर को क्या हुआ, अब उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट निकाल लो, आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, 10% डिस्काउंट 110 का 10% 110 × 10/100 11 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, मार्क प्राइस है 110, 11 रुपीज का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो प्रिंटेड है जो मार्क प्राइस है उसमें से 11 रुपीज कम कर दें, तो क्या आ गया 99 रुपीज। खरीद रहा है 100 रुपए का, बेच रहा है 99 रुपीज में, क्या हो गया, अब ऐसे तो लॉस हो गया, लॉस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1 रुपए का लॉस, 100 पर जो होता है वो परसेंटेज ही होता है, तो 1% लॉस हुआ। ऑप्शन दे रखा है ए नो गेन नो लॉस, ये नहीं होगा, बी 1% गेन, ये भी नहीं हुआ, सी 1% लॉस, लॉस ही हो रहा था 1%, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ लास्ट यहीं कर दे रहा हूं, छोटा सा ओरली लग रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज 825, व्हाट इज बेसिक प्राइस, हमने मान लिया बेसिक प्राइस है एक्स, ओके अब इसमें वैट इंक्लूडिंग करके दे रखा है, तो 10% इसमें वैट ऐड कर दें, तो 10% वैट ऐड करेंगे तो 10% वैट क्या होगा, एक्स का 10% 10 × x/100, और ये इक्वल क्या हो गया, क्या हो गया, ये कॉस्ट है प्लस वैट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वॉच इंक्लूडिंग वैट, वो हमें गिवन है, कितनी दे रखी है 825, जीरो से जीरो कैंसिल, जब एलसीएम 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल 825, तो इससे क्या हो गया 10x प्लस x 11x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 825 × 10/11 में 11 आ जाएगा, 11 से कैंसिल कर दें, 11 बन जा 11 × 7 = 77, 11 × 5 = 75 का 10 में मल्टीपल करेंगे 750 हो गई इसकी बेसिक प्राइस, ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो
ये एक्सरसाइज आपकी 10D कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी करी है क्योंकि MCQ है ना, और MCQ का तो आपको करने चाहिए सारे, पीछे सारे सवाल उसी बेस पर हैं, ABC पर है ना, लेकिन फिर भी मैंने हर एक्सरसाइज हर चैप्टर की एक्सरसाइज वो MCQ वाली कर दी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके अगले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।